सो हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे हम लौकी की खीर बनाएंगे। तो चलिए से साथ में अपने वीडियो को शुरू करती हूँ। इसको बनाना बहुत आसान है और ये झटपट बन के रेडी भी हो जाती है। सो गाइस, ये बिल्कुल रबड़ी की तरह लगती है। तो चलिए साथ में अपने वीडियो को शुरू करती हूँ। तो पहले मैंने लिया है नॉन स्टिक पैन, उसमें मैंने मूंगफली का तेल डाला है। अगर आपके पास घी अवेलेबल है तो आप घी भी डाल सकते हो, बट मेरे पास मूंगफली का तेल अवेलेबल था। और उसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स अपने डाले हैं। सो गाइज, मैंने सारे ड्राई फ्रूट इसी में ऐड कर दिए हैं। उसके बाद इसे मैंने थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन किया है, आपको मैं वीडियो में दिखा देती हूँ। उसके बाद मैंने जो लौकी हमें कद्दूकश करके लेनी है, तो मैंने लौकी कद्दूकश की थी और इसे मैंने पैन में रख दिया है। थोड़ा इसे पकाएंगे हम। आप लोग देख सकते हो लौकी जो है वो मेरी अच्छे तरीके से पक गई है। सो गाइज, जो मेरी लौकी है इसे मैंने थोड़ा सा इसमें घी डाला था और इसे मैंने अच्छे से गला लिया है। हमें ऐसा इसको गलाना, अगर हम दूध में डालें तो गैस हम तुरंत बंद कर दे दूध की। उसके बाद मैंने दूध एक तरफ रख दिया था। दूध जो था वो मेरा गाढ़ा हो चुका है, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि जो दूध है उसमें फ्लेवर आएगा तभी रबड़ी का, जब हम इसे गाढ़ा कर देंगे। सो गाइज, मेरी जो दूध की रबड़ी है वो बन के रेडी हुई है। उसके बाद जो हमने लौकी तैयार किया था, पका के उसे अच्छे से गला लिया था, उसे मैंने ऐड कर दिया और एक बार कलछी की हेल्प से मैंने इसे थोड़ा सा घुमाया है। और उसके बाद मैंने गैस को बंद कर दिया है। उसके गैस को बंद करने के बाद मैंने चीनी डाली है। अगर आप चाहो तो आप बिना चीनी के भी खा सकते हो, बट चीनी से थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है। और उसके बाद मैंने इसमें तल मखाने डाले हैं। तल मखाने को मैंने भिगो के डाला था जिससे कि ये फूले फूले से रहे। क्या होता है कभी कभी हम दूध में डाल देते हैं ना तो वो छोटे हो जाते हैं। उसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट्स भुने थे उसे डाला है। और उसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ और गार्निशिंग आपको मैं करके दिखाती हूँ। सो गाइस, इसमें मैंने थोड़ा सा फ्लेवर की इलायची पाउडर भी डाला था जिससे कि इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता। और उसके बाद मैंने इसे गार्निशिंग कर दी अपने ड्राई फ्रूट्स से। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।